आप कैसे? देखिए, हमारे कैसे देखने न देखने से यह सवाल नहीं है। देश की जनता की आवाज जो थी, कांग्रेस संसदीय दल के नेता और फिर विपक्ष के नेता, तो ये देश की आवाज थी कि राहुल गांधी जी पीएम बने। ये मेरी आवाज नहीं थी। और मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि एक बड़ा फेस, एक मजबूत आवाज, एक सच बोलने वाला एक आवाज, और बिल्कुल बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, बिना किसी राग द्वेष भय के एक फेस तो देश को सशक्त विपक्ष के रूप में चाहिए थे। तो इससे बड़ी खुशी और कुछ क्या हो सकती है? आप इस बात को देखिए, सामने में अगले बार अधीर दादा थे, हिंदी प्रॉब्लम था, इंग्लिश भी प्रॉब्लम था, कई प्रॉब्लम थे। अब हिंदी प्रॉब्लम भी नहीं, इंग्लिश प्रॉब्लम भी नहीं, और एक ऐसा फेस जो इंटरनेशनल फेस है जिस पर देश भरोसा कर सकता है और विपक्ष सुरक्षित रह सकता है और संविधान सुरक्षित रह सकता है, लोकतांत्रिक मूल्य भी सुरक्षित रह सकता है और नैतिकता भी सुरक्षित रह सकता है। तो जब संविधान, लोकतंत्र, नैतिकता, मानवता और देश का हर जाति धर्म वर्ग, मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, जब हर आदमी का अधिकार, उसके विचार और हर माँ बहन की सुरक्षा की आवाज एक ही व्यक्ति राहुल गांधी है, तो उन्हें तो बनना ही चाहिए था। तो आपने सर इस बात का भी जिक्र किया कि हर कोई ये चाह रहा था कि राहुल गांधी पीएम बने। बिल्कुल। क्या आप आगे उनको एक तो बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं? देखिए, बिहार के गठबंधन के नेताओं ने देश के साथ धोखा किया है। किसी व्यक्ति की क्षति नहीं हुई, देश की क्षति हुई है। नहीं तो राहुल गांधी जी को तो पीएम बनने से कौन रोक सकता था? हर परिस्थिति में वो पीएम बनते। लेकिन चलिए, एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत आवाज, सच्चाई पर चलने वाला, बिना किसी डर के भय के, छोटी बात नहीं है।